इसमें वो तीन वीडियोस है जिसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा सुबह। अभी ये तीन वीडियोस मैं बीयू भंडारी शोरूम जो पाषाण में है वहाँ जा रहा हूँ उनको देने, और कुछ बातें भी डिस्कस करनी है, मीटिंग भी है छोटी सी, और वहाँ से वापस घर आ जाऊँगा। एक बहुत कॉमन चीज़ जब आप बिज़नेस करते हो, वो चाहे सेटअप हो पूरा या फ्रीलांसर हो, एक कॉमन चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि कॉम्पिटिशन। ये बहुत कॉमन है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ इन्वेंट कर रहे हो जो दुनिया में है ही नहीं, अदरवाइज आपको कंपटीशन फेस करनी पड़ती है। तो जब आप बिज़नेस कर रहे हो और जब कंपटीशन होती है, तब आपको एक चीज़ करनी होती है, वो है जो मार्केट में जो मार्केट ऑफर कर रहा है उससे ज़्यादा आपको अपने क्लाइंट को ऑफर करना होता है, अच्छे रेट में, मतलब कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में। वही मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लगता है। अभी जहाँ पे मुझे देने होते हैं दो वीडियोज़, मैं देता हूँ तीन वीडियोज़, एक वीडियो मेरी तरफ से फ्री, इसी वजह से मुझे बिज़नेस मिलता है। और सभी लोग करते हैं, मैं ही करता हूँ ऐसा नहीं, सभी लोग करते हैं। गाड़ी बहुत गंदी हुई है, मैंने एक दो हफ्ते से पानी नहीं लगाया गाड़ी को, फिलहाल कपड़ा तो मारता हूँ यार। तपती गर्मी में घर से निकला हूँ और ऊपर से ये ट्रैफिक, ओहो माय गुडनेस। अरे चलो 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 चलो, मैं एक्चुअली जैकेट पहनने वाला था, मेरे पास एक ऑल सीजन जैकेट है लेकिन उसमें भी बहुत गर्म होता है, तो जैकेट पहनने का मैंने कैंसिल किया, मतलब शर्ट ही रखते हैं, फुल स्लीव शर्ट है। हम जा रहे हैं अभी नर्स स्टॉप की तरफ, वहाँ से SB रोड से होते हुए, सेनापति बापट रोड से होते हुए, ये भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है ये। मात्रे ब्रिज, और किसी की शादी हो रही है, बकरा कटने वाला है, खुशी खुशी। सबका यही होता है। ये आ गए हम नर्स स्टॉप पे, ये KTM का शोरूम है यहाँ पे। यार उस दिन मैंने ड्यूक 390 चलाई, क्या एग्रेशन है, माय गॉड। एक्सीलेटर थोड़ा दिया नहीं कि गाड़ी उड़ती है, लिटरली उड़ती है, वो चलती नहीं है, वो उड़ती है गाड़ी, खतरनाक। मेरा मतलब हार्ट बीट बढ़ गया था। अरे यार नो एंट्री है, क्या करें, यहाँ से जा सकते हैं क्या, नहीं कोई पकड़ लेगा। एक्चुअली वहाँ वैसे जाना है, अभी ये इस रोड पे मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे अभी रोड। अब क्या करी उतरी, चलो आप भी देख लो, जो आपने नहीं देखा है वो पुणे देख लो, क्या मस्त है यार। यहाँ पे झाड़ियाँ है, अच्छे अच्छे घर है, हाँ हाँ वो बंगलो देखिए कितना पुराना है, वो दोनों पुराने जो घर होते वो पत्थरों से बनते थे, बाद में ईंटें वीटें आने लगी। और अपने को जाना है, कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा वैसे, ओके ओके ठीक है, सॉर्टेड है। ओके ये आ गए हम लॉ कॉलेज रोड पे, और यहाँ पे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है जिसका गेट बंद दिख रहा है। कई साल पहले जब मैं पुणे शिफ्ट हुआ था तब यहाँ पे मैं आके बैठता था और पुराने फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ता था। यहाँ पे आपको सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अंदर लाइब्रेरी है शांति से बैठ के पढ़ने का। ये मैं पहुंच गया बीयू भंडारी फोक्सवैगन शोरूम पाषाण, और उसके बाजू में ट्रायम्फ भी है।
ओके, मेरा काम हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैं आया हूँ अभी ट्रायम्फ के शोरूम में। मैं थोड़ा सा हेलमेट रख देता हूँ यहाँ पे। निकलते निकलते थोड़ा सा ना बाइक्स देखी जाए। लुक एट दैट, साइलेंसर देखिए, दैट्स द डोप साइलेंसर मैन। ये सेक्शन जो है यहाँ पे अप्रल्स एंड एक्सेसरीज, सारे जैकेट्स हैं, डोप जैकेट्स हैं सब। ये टाइगर XCX है, टूरिंग एडिशन, और यहाँ पे एक्सेसरीज है। वहाँ पे टी शर्ट्स हैं, वाह, नाइस फैब्रिक यार, नाइस फैब्रिक। यहाँ पे ट्राउजर्स है। ये डोप शोरूम है, डोप शोरूम मतलब यहाँ पे आके नशा हो गया, नशा हो गया, नशा। एक फोटो तो बनता है, थंबनेल बहुत अच्छा बनेगा। ओके, सो दिस इज द टाइगर XCX। ओके, सेम मोटरसाइकिल फॉर 15 लाख। 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ विद द बॉक्सेस, boxes and the motorcycle. Okay. On down payment कितना होता है इसका? Approximately you finance about 80 to 90%. 80 to 90%. और कितने years के लिए होता है? 5 years. 5 years. Or 7 years. 7 years. 5 years to 7 years. Wow. You have almost convinced me to buy a Tiger XCX. Into that. Okay. I don't know when. Hopefully soon. See, if you are a person who was always who just want to explore the world, right, and if you really believe that life is once, and you should come down to the showroom and ride a Tiger. That's the truth, that life is once, and if you realize that, your life will change. Definitely. Yeah. Anybody's. And Tiger is a motorcycle that can go anywhere and give you that pleasure that you cannot even get from any other motorcycle or any other thing that you are looking for. No, it's a dope bike. Come on, when you look at it. और मैंने अभी तो टेस्ट राइड लिया नहीं है। होपफुली मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, और मैं जल्दी आऊँगा, और मुझे टेस्ट राइड लेना है, और उसके बाद ही सेइंग दैट आई वोंट स्लीप, मुझे रात में वो दिखने लगेगी। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, मतलब रातों की नींद अगर मेरी जा रही है। बट आई एम कमिंग सून। ओके ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून। ओके, नाइस मीटिंग, बाय। शोरूम से निकलने का टाइम आ गया है। लव्ड इट टाइगर, आपको भी मज़ा आया होगा। अभी वापस रियलिटी पे, टडांग। ये सारी जो बाइक्स हैं ट्रायम्फ की, वो देख कितना मज़ा आया यार, चलाने में कितना मज़ा आएगा। पंकज, थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग मी यार। घर आया, शॉवर लिया, और अब अच्छा लग रहा है। और अभी लंच टाइम, लंच में क्या क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी कड़ी है, आशु की फेवरेट, और ये दाल है, सिर्फ दाल बोलते हैं इसको, मोगर दाल, कैरी की चटनी, यहाँ पे चकली, यहाँ पे राइस, यहाँ पे चपाती, और वहाँ पे बनाने वाली आशु, टडांग। और व्हाट किया रहा, हाय हाय, पकौड़े नहीं है आज कड़ी में। हमारा पकौड़ा था ना साथ में। ये खा मस्त। और ये जो कैरी की चटनी है ना, ये आशु बहुत बढ़िया बनाती है। इनफैक्ट आशु खाना ही अच्छा बनाती है, क्या बात है, तारीफ चल रही है। इतना भी टेस्टी नहीं बनाती। वापस बोलो। जितना मम्मी टेस्टी बनाती है, उतना भी नहीं बनाती हूँ।
वहाँ ये है कि पेट भर जाता है अच्छे से, भूखा नहीं रखती. मॉडेस्ट यहाँ, क्या बात है. अच्छा अभी ये है कि आशु नॉनवेज नहीं खाते, मैंने आपको बताया पहले, अंडा खाती है, मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन ट्यूसडे के दिन आशु अंडा भी नहीं खाती. ऐसा क्यों? क्योंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है और मैं मानती हूँ उनको. और शादी से पहले बहुत सारे मंगलवार को मैंने व्रत भी किए थे, मन्नत भी पूरी हुई है. विशेष, अच्छा, दो तो, विशेष पूरी हो चुकी है. दो विशेष में से एक विश तो मुझसे शादी करने की, वो पूरी हो चुकी है. हाँ, और दूसरी विश कौन सी है? दूसरी विश तो ये इधर है, ये देखो, ये हमारी, ये दूसरी विश. पहली मैं, दूसरी ये, और तीसरी अभी कैसे रिवील कर सकते जब तक पूरी ना हो. तीसरी मतलब वैसा तीसरी नहीं है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं है. लेकिन जब भी होगा तीसरी विश पूरा, जब भी आशु की तीसरी विश पूरी होगी वो मुझे पता चलेगी, और मुझे जब पता चलेगी आपको भी पता चलेगा. वैसे आइए खाना खाने के लिए. आशु को मैंने अभी चाय बनाने को बोला, क्योंकि उसके हाथ की चाय नहीं है, अमृत है. नहीं सच में, ये मैंने उसको कहा तो उसको विश्वास नहीं हो रहा. अभी क्या कहें, क्या बात है, ये चाय नहीं है. मैंने बोला ना तुमको, ये चाय नहीं है, कुछ भी है, अमृत है, अमृत. सच में ये देखो, तुमको इंसान सच भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सच में ये चाय नहीं, अमृत है. मैं खो गया हूँ ट्रांस में, ये चाय है ही नहीं, इसको अमृत ही बोलना चाहिए चाय. अभी रात के 8 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ बाइक वॉश कराने. रात के 8 बजे बाइक वॉश, तो मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे ये टाइम में भी मेरी बाइक वॉश करा के देते हैं, और कोई भीड़ नहीं रहती, कोई नहीं, यू आर नॉट इन अ क्यू. डायरेक्टली जाने का, वो बाइक लेता है, वॉश करा के 10 मिनट में आपको देता है. चलें, लेट्स गो. मैं आ गया हूँ इस सर्विसिंग स्टेशन पे, और यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है. 8 बजे हैं, 8 भी नहीं, अभी 8:20 बजे हैं, और मेरी बाइक अभी यहाँ पे है, वो जा रही है वॉश के लिए. ये है वो सुंदर जी कार स्पा एंड सर्विसेज जो मार्केट यार्ड में आता है, आप ढूंढ सकते हो. एग्जैक्टली 10 मिनट में बाइक वॉश करके बाहर भी आ गई. अभी अल्ताफ भाई उसको कपड़ा मार रहा है, उसको चमका रहा है. प्रवीण भाई हैं, प्रवीण भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे. प्रवीण भाई एक रबिंग और कोटिंग करते गाड़ियों की, है ना, और टेफ्लॉन कोटिंग यहाँ पे. और आपका नाम क्या है? लाल मोहम्मद. लाल मोहम्मद, जैसे ही लोग आएंगे अल्ताफ को पहचानेंगे. अभी मस्त लग रही है गाड़ी. अभी प्रवीण भाई को मैंने कैमरा दे दिया है. प्रवीण भाई आप कैमरा रख लो, मैं बाइक लेके जाता हूँ, चलेगा? ओके. प्रवीण भाई हाँ बोल रहे हैं. गाड़ी चालू करता हूँ. जाओ प्रवीण भाई. यस, चलो. दे दूंगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा. That's it for today, guys. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. See you in the next video, guys. Till then, love you all. Take care. Bye bye.